हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए आशीष केडिया और आज ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाले कीड़े को चलो क्लियर करते हैं। क्या है ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया? बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स है। मैं पहले तो दो तीन बातें बता दूँ, इसको प्रीफेस बोल सकते हैं और उसके बाद अपने डिस्कशन करते हैं। पहली बात दोस्तों, इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे जिससे शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अपने को सब कुछ समझ में आए, ठीक है ना? नंबर वन। नंबर टू, आप अगर आईसीएससी से हो तो भी आप इस वीडियो को सुनो। मतलब अगर आपने आईसीएससी क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रखा है तो भी आप इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है? क्यों? वो आपको समझ में आएगा। और पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप क्लास 12 में हो तो भी आप इस वीडियो को सुनो, ठीक है? सीबीएसई क्लास 10 के लिए तो ये है ही है, लेकिन साथ में आईसीएससी 10 एंड 12 एंड सिमिलरली सीबीएसई के 12 के स्टूडेंट भी इस वीडियो को प्रॉपरली सुने, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है जो क्लियर होने वाले। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट मई 2021 को सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है? उस नोटिफिकेशन में सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि भाई उनको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो उन्होंने पहले बता रखा था वो क्या है, कैसे मार्क्स का असेसमेंट होने वाला है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले अपने लोग इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अंदर बोर्ड ने बेसिकली किया क्या है, बोर्ड ने बेसिकली चार बाइफर्केशंस क्रिएट किए हैं। ऐसे अगेन, बोर्ड ने बेसिकली चार बाइफर्केशंस क्रिएट किए हैं। ये रहा, देखिए, चार पार्ट्स में चीजों को डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने समझते हैं ये पहला 10 मार्क्स क्या है। मैं मार्क्स का डिवीजन भी बता देता हूं, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। आईसीएसई स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के लिए भी आईसीएसई क्लास 10 के लिए भी यही तरीका फॉलो होने वाला है, लगभग ऐसा ही, ठीक है? अब समझना, ये 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स किस प्रकार डिवाइडेड है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के जो पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट होते थे वो आपका पहला 10 मार्क्स कवर करेगा। नंबर टू, जो 30 मार्क्स है आपके, वो कहां से आएंगे सर? 30 मार्क्स जो आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया होगा ना, उस पे कवर होगा। 40 मार्क्स ये जो आप लोगों का प्री बोर्ड था वो कवर करेगा। और जहां तक बात हमारा 20 मार्क्स का है, माय डियर फ्रेंड्स, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से होगा। तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो, इंटरनल असेसमेंट मतलब जो प्रोजेक्ट्स आप लोग सबमिट किए हो, ठीक है? अब आप लोग एक चीज को समझना, ये जो 10, 30, 40, 20 है, अगर आप इसको ऐड करो तो सबसे पहले 100 मार्क्स आपका कवर हो गया। अब आप लोग इससे एक चीज समझे, बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है इवेल्युएशन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पर छोड़ दी है? आपके स्कूल पर छोड़ दी है। स्कूल विल हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन ये आएगा कि नंबर क्वेश्चन नंबर वन कि सर, अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो मान लीजिए आप इन चारों में से कोई भी एक एग्जाम में एबसेंट थे बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस, रीजन कुछ भी हो सकता है, आप एबसेंट थे, तो मैं कह रहा हूं कि याद रखना, सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स को स्कूल्स को कहा है, सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स को कहा है कि स्टूडेंट्स को टेलीफोन पे लो और एग्जाम्स लो। तो याद रखना, टिरिंग टिरिंग कभी भी हो सकता है। टिरिंग टिरिंग मतलब फोन कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। ऑब्वियसली अनाउंसमेंट होगा, ऐसे नहीं है कि फोन कर दिया और पूछ लिया, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा कि आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो अगर किसी ने मिस किया है कोई पर्टिकुलर एग्जाम को, तो उसके सिनेरियो में स्कूल उनका एक टेलीफोनिक एग्जाम कंडक्ट करेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सर हमारे स्कूल में तो ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ ही नहीं, लेट्स से एक हाफ ईयरली हुआ ही नहीं, या फिर कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो वो कंडक्ट होगा ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, काफी स्कूलों का ये सिनेरियो है कि प्री बोर्ड जो है वो दो तीन बार हो गया, एक बार ऑफलाइन बुला के ले लिया, एक बार ऑनलाइन ले लिया, तो उसमें क्या सिनेरियो है सर? अब वो स्कूल आपको कौन सा प्री बोर्ड का मार्क्स कंसिडर करेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाई द स्कूल। बट फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो बेस्ट होगा वो लेगा। कोई स्कूल एवरेज भी ले सकता है, बट देन चांसेस आर कि क्योंकि स्कूल पर सब छोड़ दिया गया एंड स्कूल विल ऑब्वियसली वांट इट्स किड्स टू स्कोर बेटर, तो आप लोगों का बेस्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? ये हो गया। एक और बात सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएसई को आप क्यों बोले ये वीडियो देखने के लिए? दोस्तों, इसलिए बिकॉज जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आईसीएसई इट इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग कि आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्लास 10 का जिसने बोर्ड एग्जाम्स दिया, ऐसा ही कुछ इवेल्युएशन सिस्टम फॉलो होने वाला है, जहां पे स्कूल के हाथ में चीजें होंगी। हाँ, वेटेज में भी 10%, 20% इधर का उधर हो जाए, बट देन दिस इज द ब्रॉड पिक्चर दैट इज गोइंग टू
प्ले आउट। इन सब के बाद भी, आई से अगेन, इन सब के बाद भी मान लो आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं सर जो मेरा मार्क्स आया है, लेट से ये सब के बाद आपका जो इवैल्यूएशन होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ग्रेस मार्किंग मिलेगा, मान लो कि कोई अगर 60-70 पे अटक रहा है ना, तो उसको चांसेस है कि 10 या 20 ग्रेस मार्क करके 80 पे लाया जाएगा। अरे बोर्ड ने खुद चला के कहा है कि ग्रेस मार्क मिलेगा, बताओ। तो ये बात तो है, और ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ये अपने को पता है। तो यानी कि ग्रेस मार्किंग तो मिलेगा, लेकिन मान लीजिए ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी एंड जो भी इवैल्यूएशन हुआ है उसके बाद भी आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में जब सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आप लोगों को 10 का एग्जाम देने को वापस से बुला लिया जाएगा। लेकिन लेकिन बोर्ड ने साथ साथ ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स अभी 10 से 11 में जा रहे हैं, वो लोग अपनी 11 की पढ़ाई ना रोकें, 11 की पढ़ाई करते रहो दोस्तों, 11 की पढ़ाई नहीं छोड़ना अपने को, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रॉड समरी क्या है, 10, 30, 40, 20 वाला स्कीम फॉलो होने वाला है आपका मार्किंग के लिए। अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आप लोगों का टेलीफोन पे वो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो मार्क्स आपको मिल रहा है ग्रेस देने के बाद भी, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप लोग अपना, जब सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हो। एंड द 4th पॉइंट इज कि क्लास 11, आई से अगेन, क्लास 11 की पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। ये दोस्तों 4 बातें बोर्ड ने कही। अब क्लास 12 वाले बोलेंगे कि सर व्हाट्स इन इट फॉर अस, आप तब से सीबीएसई 10 या आईसीएसई 10 का ही बात कर रहे हो। 12 वाले बोलेंगे व्हाट्स इन इट फॉर अस। 12 वालों का सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है कि सर एग्जाम होगा क्या। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर कैंसिल करना होता ना बोर्ड्स को, तो वो लोग पहले ही बोल दिए होते, पर आप देखो किस तरह से डिले कर रहे हैं। क्योंकि 10 से 11 में जाना इज नॉट अ बिग करियर डिसीजन, राइट? Obviously, you choose your stream and everything, but it's not a, you know, humongous career decision. 12 से किसी भी लाइन में जाना चाहे आप, ग्रेजुएशन किसी भी चीज में करो, यू नो, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि कॉलेज का एंट्रेंस, किस कॉलेज में आप एंटर करते हो, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है 12 के। तो काफी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हो जाएगा जिन्होंने पढ़ाई की है, या कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है और यू नो दे हैव मैनेज्ड टू स्कोर वेल समहाउ। तो द पॉइंट इज कि 12 का एग्जाम्स को कैंसिल करना विल बी अ वेरी यू नो बिग डिसीजन। तो इसका मतलब सर बोर्ड्स क्या खतरे में डालेगा आप लोगों को और एग्जाम देने बुलाएगा? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। पर हाँ, लुकिंग एट द कोरोना सिचुएशन ऑल्सो, ऐसा लग नहीं रहा है कि जून में भी एग्जाम्स कंडक्ट हो पाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ यू नो स्टेटमेंट गिवन बाय बोर्ड्स देमसेल्व्स, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है कि कैंसिल हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास 12 वालों दो चीजें करनी है। जैसे 10 को बोला गया कि अपना 11 का पढ़ाई जारी रखो और 10 का देख लेना बाद में, वैसे ही 12 आपको बोल रहा हूं मैं, आप लोग अपने करियर में आगे अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, तो बहुत गलत है आपके साइड से अगर आप उसका प्रिपरेशन अब स्टार्ट नहीं कर देते। उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात तो आपको उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, एंड दूसरी बात, आप लोगों को 20 से 25 डेज का नोटिस मिल जाएगा अगर बोर्ड होने वाला होगा तो भी। बट देन आप वही चीज को बार बार पढ़ोगे नहीं ना 12 का, और इतना आप लोग पढ़ चुके होगे अब तक कि 20-25 डेज इनफ है आपके रिवीजन के लिए, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच के पढ़ाई करो कि आप लोगों का 12 का एग्जाम्स नहीं हो रहा है, सच बता रहा हूं, आप लोग ये सोच के पढ़ाई करो। एंड जब होता है तो फिर आपको 20-25 डेज का नोटिस मिलेगा। बट अगर आप लोग ये सोच के रखे हो कि एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद हम पढ़ने बैठेगा, तो गए आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड रहे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? एंड अगर 12 का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोर्ड से आता है, सो आई विल अपलोड अनदर वीडियो येट अगेन। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, होप आई वॉज यू नो एबल टू क्लियर योर डाउट्स।